दोस्तों नमस्कार। आज हम चोलों के बारे में जो है वो जानकारी एकत्रित करने वाले हैं कि चोल कौन थे, उन्होंने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया और कहाँ कहाँ पर जो है उनके फेमस मंदिर है। ठीक है, इसमें हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है चोला का जो उद्भव है वो दो बार हमें देखने को मिलता है। यहाँ हम उन चोलों की बात करें सेकेंड टाइम पे जो है वो आते हैं 850 से लेकर के 1200 जो है 79 तक जो है इनका कार्यकाल रहता है या इनका टाइम पीरियड रहता है। चोला डायनेस्टी जो है वो संगम पीरियड में भी हमें देखने को मिलती है 300 से लेकर के 300 BC से लेकर 300 CE तक जो है हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, और उसके बाद दोबारा कब देखने को मिलती है वो 850 से लेकर के 1269 तक जो है हमें देखने को मिलती है। चोला साम्राज्य को जो इसने रिस्टैब्लिशमेंट की थी चोला साम्राज्य की, वो थे आपके विजयालय चोला। उन्होंने जो है वो इसको दोबारा रिस्टैब्लिश किया था 848 के अंदर। विजयालय चोला जो तो वो कंसीडर किया जाता है क्या फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर। ओके, द कैपिटल ऑफ चोला किंगडम वाज तंजूर, जो है तंजौर उनकी जो है वो कैपिटल हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। ओके, और जो फेमस किंग रहे हैं ना वो राजराज हो गए और राजेंद्र प्रथम हो गए, राजेंद्र द्वितीय हो गए, और इसके अलावा जो है कुलोत्तुंग तृतीय हो गए। ये फेमस कुछ किंग हैं। चोला रूलर एंड जो है अग्रहता जो है पर्शियन व्हील विच फैसिलिटेटेड द स्मूथ इरिगेशन नेटवर्क ऑफ टैंक कैनाल एंड वेल्स जो है वो ये बनाए गए थे। चोला एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मैनी रीजन एंड रीजन्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू जो है कोटम्स एंड कोटम इनटू नाडू, नाडू इनटू तहसील एंड विलेज के अंदर ये जो है वो सारा विभाजित था। द चोला डायनेस्टी वाज नोन फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो अपने जो है लोकल प्रशासन के लिए जाने जाते थे। ठीक है, उत्तरी मेरूर और इंस्क्रिप्शन जो है उससे हमें उनके एक गांव के बारे में, इन चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल जानकारी मिलती है। कहाँ से? उत्तरी मेरूर का जो हमारा शिला लेख है वहाँ से, इंस्क्रिप्शन से। ठीक है, चोला वाज ऑल्सो नोन एज फॉर दियर, जो उनकी जो है जो समुद्र शक्ति थी या फिर जो है वो नौसेना थी, नौसेना के लिए, नौशक्ति के लिए जो है वो नाभिकीय शक्ति के लिए, समुद्री शक्ति के लिए फेमस थे कौन? चोलास। ठीक है, उनका जो राष्ट्रीय जो चिन्ह था वो क्या था वो मैंने आपको नीचे लगा रखे हैं। जैसे जो पांडे थे उनका मछली था, ठीक है, चेर का जो है वो धनुष बाण था, और चोलाज का जो है वो टाइगर जो है वो एक लॉइन हमें देखने को मिलता है, टाइगर या लॉइन जो है वो देखने को मिलता है। हम जो है द फॉलोइंग आर चोला रूलर जो है वो हम उनकी बात करें जो फेमस फेमस थे, और क्रोनोलॉजी भी हमें मिलाने को आती है। विजयालय चोला जो 850 से लेकर के 870 ईस्वी तक रहते हैं, उसके बाद आदित्य प्रथम आते हैं 870 से लेकर के 907 तक रहते हैं। फिर परांतक का कार्यकाल प्रारंभ होता है। परांतक ने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं इसलिए उसका नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 907 से 950 तक जो है इतने लंबे समय तक ये शासन करता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सुंदरा चोला जो है वो आते हैं और 950 से 985 तक रहते हैं। 985 में राजराज प्रथम जो है बहुत फेमस शासक जो रहा है इसका, राजराज प्रथम ये रहते हैं 985 लेकर के 1014 तक। ठीक है, फिर राजेंद्र प्रथम आते हैं, राजाधिराज जो है वो आते हैं राजेंद्र प्रथम जो है 1414 1444 तक, 114 से लेकर के 1414 से लेकर के 1044 तक रहते हैं। राजाधिराज जो है वो 1444 से लेकर 1054 तक रहते हैं, और राजेंद्र द्वितीय आते हैं उसके पश्चात, और फिर हमारे पास जो है विजय राजेंद्र आते हैं और कुलोत्तुंग प्रथम और राजेंद्र द्वितीय, और फिर जो है राजेंद्र तृतीय आते हैं, फिर कुलोत्तुंग तृतीय भी हमारे एक जो शासक है हमें देखने को मिलते हैं। ये फाउंडर थे आपके विजय साम्राज्य के, चोला साम्राज्य के जो है विजय चोला ये फाउंडर थे, और उन्होंने तंजावुर के अंदर जो है ही कैप्चर तंजावुर सिटी विद द हेल्प ऑफ जो है मुत्तुरियार जो है किंग जो थे आपके सत्तन पहली उनके बाद। इट वाज मेंशन्ड इन द तिरुवनलुंगडु प्लेट्स जो है वो हमें कॉपर प्लेट मिली है, कॉपर इंस्क्रिप्शन मिला एक
यहाँ पे वो मेंशन है, ही डिफीटेड जो है एलांगो मोतियार जो है वो उसको जो है मोतियार जो है इसको पराजित करते हैं द फाइनल रूलर ऑफ मोतियार डायनेस्टी एंड कैप्चर तंजावुर, तंजावुर को ये जो है वो अधिकार कर लेते हैं। बिजाले चोला जो है वो चोल डायनेस्टी के जो है वो उसको फिर से इस्टेब्लिश करते हैं और पल्लवास और पांड्यास के को जो है वो हराते हैं। आदित्य वर्मन को हम देखते हैं, सन हमने देख लिए हैं और उन्होंने अपने राज्य को थोड़ा और विस्तार दिया, ठीक है, और इन लोगों ने जो है वो और डायनेस्टी को जो है वो वहाँ की जो थी उन चीज़ों को उनको जो है वो कैप्चर किया। प्रांत का प्रथम जो है इसने पांडे और जो है पल्लवा किंगडम को जो है वो पराजित किया और अपने चोला साम्राज्य को जो है वो एक बड़ा आकार प्रदान किया। उसके बाद सुंदरा चोला जो है वो प्रांत का चोला टू के नाम से इनको हम लोग जानते हैं। ही वाज इनकरेज तमिल एंड संस्कृत लिटरेचर को जो है ये बढ़ावा देते हैं। राजेंद्र चोला प्रथम जो है इसका तो साम्राज्य जो था वो आपके दक्षिण जो है वो क्या बोलते हैं श्रीलंका तक जो है वो फैल जाता है। राजेंद्र चोला आई फर्स्ट वाज द सन ऑफ राजा चोला जो है वो राजराज का ये सन था। वो जो है वो एक नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि अपने बिजी अभियानों के कारण। राजेंद्र चोला जो है उसने बहुत सारे टाइटल जो थे वो लिए थे, गंगे कोंड जो है उसकी उपाधि धारण करी, ठीक है, पंडिता चोलान की उपाधि धारण करी, कादारम जो है कोंडन की उपाधि धारण करी, ठीक है, मुदी कोडम की जो है कोंडन की जो है वो उपाधि धारण करते हैं। उन्होंने जो वो श्रीलंका के राजा को हराया था, मालदीप और सुमात्रा तक जो है और इंडोनेशिया तक इनके जो है वो क्या है अभियान चलाए इन्होंने और चालुक्यास और जो है ट्रांस गंगा किंगडम तक जो है इनका शासन जो है हमें फैलता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस शासक थे, मैं आपको दिखाऊंगा मैप के अंदर भी कि इनका कितना लंबा साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य था, ठीक है। ही फाउंड द सिटी ऑफ गंगईकोंड चोलपुरम जो है और कंस्ट्रक्ट किया वहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल बनाया, ठीक है, रामेश्वर टेम्पल ऑफ द गंगईकोंड चोलपुरम वाज बिल्ट बाय राजेंद्र चोला, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है, ओके। ही बिल्ट द चोलंगम जो है एक लार्ज इरीगेशन टैंक जो है इन्होंने बनाया, चोला गंगम जो है इसकी यहाँ पे इन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया बनाया। द चोला डायनेस्टी रीच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द जो है इनके शासनकाल के दौरान ये हम बहुत ज़्यादा जो है वो फैला। और राजाधिराज जो है इसकी जो यंगर ब्रदर था ये राजेंद्र प्रथम का, ही सर्व द किंगडम विद हिज ब्रदर एंड लेटर रूल्ड एज द सोल मोनार्क जो है ये रूल करता है बाद में। और विजेंद्रा जो है ये 1054 से लेकर के 1070 तक जो है शासन करते हैं। मैंने आपको इनके बारे में ऊपर बताया, इनके कॉन्फ्लिक्टों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। कुलोतुंगा प्रथम की बात करें, कुलोतुंगा जो है किंग कुलोतुंगा फर्स्ट सेंट द गुडविल मिशन ऑफ 72 ट्रेडर्स का जो मिशन है ये चाइना के लिए भेजता है। कब भेजता है? 1070 के अंदर कुलोतुंगा फर्स्ट गेव कंप्लीट फ्रीडम टू श्रीलंका। उसने जो राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका को अपना जो है वो अपने अधीन लाया था वो उनको फ्रीडम प्रदान करता और सिंधी राजकुमार को अपनी बेटी की शादी करवा देता है। ही सक्सेसफुली फेस चैलेंज फ्रॉम द वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी। इनसे इसको जो है वो चैलेंज फेस करना पड़ता है और होयसल्स की जो है से भी इसको जो है वो एक बड़ा चैलेंज देखने को हमें मिलता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। चोल राजवंश की बात होगी, हमें जो है इसके बारे में हमने डिस्कस भी कर लिया, राजाओं के बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया, हिंदी के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अवेलेबल है और इन सब राजाओं के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है मैक्सिमम, ठीक है, और अब इसमें कुछ नया नहीं है, ओके। इसमें एक नहीं किया मैं, राजेंद्र चोल द्वितीय को है द रिस्टोरर के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ओके। और चोल प्रशासन के बारे में अगर मैं थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे साझा करूँ आपसे
तो चोल शासक जो थे ना, जो चोल जो प्रशासन था, जो मंडलम जो बनाए थे उन्होंने, अपने राज्य को विभाजित कर दिया मंडलम प्रांत के अंदर, ठीक है। और प्रत्येक प्रांत का राजकुमार या वायसराय द्वारा शासित होता था, और इन प्रांतों को बलनाट्स या कोट्टम में विभाजित किया गया था। इनको आगे बलनाट्स या कोट्टम में विभाजित किया था, और उनके भीतर भी जो है वो नाडु या जिले होते थे, ठीक है। गांव के स्तर पर जो है, गांव चोल साम्राज्य के दो प्रकार के गांव थे। पहले प्रकार को उर के नाम से जाना जाता था, जहाँ विभिन्न जातियों के लोग निवास करते थे। दूसरा प्रकार था वो अग्रहारा गांव होते थे, जो मुख्य रूप से जो है वो ब्राह्मणों का, जिन पर कब्जा होता था, ठीक है। ये दो बातें गांव के बारे में होगी। स्थानीय शासन जो था, अग्रहारा गांवों में सभा और महासभा नामक सभाएं होती थी, जिसमें व्यस्त पुरुष शामिल होते थे, जो निर्णय लेने और स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इन गांवों के लिए जो है समितियों का चयन उत्तर मेरूर शिलालेख में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार जो है किया गया था। उत्तर मेरूर के अंदर कुछ दिशा निर्देश जो दिए गए थे। भूमि प्रशासन, चोलों ने कर निर्धारण उद्देश्यों के लिए व्यापक भूमि सर्वेक्षण एवं राजस्व बंदोबस्त किए। कुली, मा, बेली, पट्टी, पदागम जैसी विभिन्न भूमि माप इकाइयाँ जो है इन्होंने विकसित करी थी। इनको ध्यान से जो है वो नोट करना है, ये आपकी उस समय की भूमि माप इकाइयाँ हैं। कर की दरें जो है भूमि की उर्वरता और माली की समाज स्थिति पर आधारित करती थी, ठीक है। और राजस्व प्रभारी को पुरु बुवारी तिन्ने का कल्लम कल्लम के नाम से जाना जाता था। व्यापार और वाणिज्य जो है, नगरम के नाम से जाने जाने वाले व्यापारियों के विभिन्न संघों और सभाओं ने जो है व्यापार एवं वाणिज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विभिन्न संघ जो है वो विशिष्ट उद्योगों और व्यवसायों जैसे कपड़ा, घी, तेल उत्पादन, अन्य कुशल समूहों से जुड़े थे। इन श्रेणियों का महत्वपूर्ण प्रभाव था, और धीरे धीरे इन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। सैन्य शक्ति, चोलों के पास पैदल सेना थी, घुड़सवार सेना और हाथियों से युक्त जो है एक सुसज्जित सैन्य बल जो है वो हमें देखने को मिलता है। मार्को पोलो के विवरण अनुसार ऐसा माना जाता है कि राजा के अंगरक्षकों ने एक मृत राजा की चिता में खुद को बलिदान कर दिया था, ठीक है। और चोल राजवंश के दौरान धर्म क्या था, समाज कैसा था? चोल ना कट्टर थे, कट्टर शैव थे, ठीक है। चोलों के लिए शिव सबसे महत्वपूर्ण देवता था। आपने देखा बृहदेश्वर टेम्पल, गंगईकोंड चोलपुरम का टेम्पल, ये सारे मंदिर उन्होंने बनाए। उनकी दो अभिव्यक्तियाँ होती थी, लिंगोद्भव और शिव की सबसे पहचानी जाने वाली अभिव्यक्ति। नटराज मूर्ति का मानव रूप था, और शैव सिद्धांत एक अत्यधिक विकसित दर्शन जो है स्थापित कर पाया इसके काल में। सांस्कृतिकरण जो है, उच्च वर्ग की विरासत जो है निम्न वर्ग की नकल चोल युग से चली आ रही है। चोल साम्राज्य की विशेषता एक व्यापक जाति व्यवस्था थी, जो चोल वंश में एक इदंगी और बगंगी में जो है विभाजित थी। और शैव और वैष्णवों के बीच हिंसक संघर्ष छिड़ गया था। सती प्रथा पर धार्मिक प्रथा के रूप में विकसित हुई, और देवदासी जैसी प्रथाएं भी समाज में प्रचलित हुई। तो ये तो हो गया उस समय का ये समाज, ठीक है। जाति व्यवस्था भी थी, चोल राजवंश में इदंगे और बडंगे जो है वो उसमें विभाजित था चोल वंश। अब आपको चोल राजवंश का पतन जो है वो देखने से पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको चोल वंश का पतन देखने से पहले जो है ये पता होना चाहिए कि उस समय का जो मंदिर वगैरह जो बनाए गए थे उनका क्या था, ठीक है। विजय चोल थे, आदित्य चोल जो है, आदित्य प्रथम, राजराज चोल जो है वो ये आए, ये बहुत महान शासक थे। ऊपर हमने इसको डिस्कस नहीं किया, इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये पिता थे राजेंद्र चोल के, बाकी दूसरा इसने जो है वो जमीन बना करके दी अपने बेटे को, और फिर उसके बेटे ने उसके आगे जो है वो चीज़ों को फैलाना शुरू किया। इनका बनाया हुआ एक बहुत ही विशेष मंदिर बृहदेश्वर का, तंजावुर का विदेश्वर जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, उसको यूनेस्को की हेरिटेज तक में जो है वो जगह मिली है। तो सोचो कितने महान शासक रहे होंगे राजेंद्र, जो राजराज चोल है उसके राजेंद्र चोल आते हैं। तो ये तो आपको पता ही, मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया है कि कौन कौन से फेमस कार्य जो इन्होंने किए हैं। इनकी जो स्थापना का जो सिलसिला है ना, वो भी मैंने कहा कि पल्लव जो होते हैं जैसे उन पर विजय प्राप्त होती है, तो फिर जो है इनका उद्भव होता है 9वीं शताब्दी के अंदर पल्लवों के अवशेषों के ऊपर
और पल्लव जो है वो भी उससे पहले की जो डायनेस्टी वो भी डेवलप हुई थी किसी और के अवशेषों के ऊपर। और ये आपको पता है कि 300 BC से लेकर के 300 CE तक जो है वो ये शासन ऑलरेडी चला हुआ था इनका पहले वाला, है ना। और संगम साहित्य का जो है वो प्रारंभ में हमें देखने को मिलता है। चिंतामणि इस युग के प्रसिद्ध शासकों में से एक थे, जो पुराने चोल थे उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अब ये देखना है, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे राजा सारे, आपको अब आपको क्रोनोलॉजी में जो है वो डिस्कस करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने डिस्कस कर लिया है पूरा का पूरा। अब आपको क्या करना है, टेंपल्स के बारे में जानना हो तो टेंपल्स जो थे चोला काल के जो टेंपल है, अब हम उनकी बात कर लेते हैं कि उन्होंने कौन कौन से टेंपल जो है वो उनके फेमस रहे हैं, ठीक है। आपको जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, उनके टाइम के जो टाइम पीरियड में जो डेवलप हुए मंदिर हैं उनकी चर्चा करनी है। तो अगर हम देख लेते हैं, पहला है कि बिजाले जो थे, बिजाले चोलेश्वरा, उन्होंने जो है वो नाट्रा मलाई के अंदर जो एक टेंपल बनाया था उसको जो है वो विशेषतः जाना जाता है। फिर बाल सुब्रमण्यम का जो मंदिर है वो कन्नूर के अंदर बनाया था, वो भी आदित्य प्रथम ने बनाया था, ठीक है। नागेश्वरा का जो मंदिर है कुंभकोणम के अंदर बनाया गया था, ये आदित्य प्रथम के द्वारा बनाया गया था। मुव्वार कोडुम बालूर जो है पुदुकोट्टई का जो प्रांत का प्रथम के द्वारा जो मंदिर बनाया गया था, ये भी हमें जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है उत्तरी कैलाश का मंदिर जो है कैलाश प्रथम जो ये राजेंद्र प्रथम ने बनाया, इसको इसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। रातेश्वरा का मंदिर है दारासुरम के अंदर जो है ये हमें देखने को मिलता है, और बनाया था आपके राजेंद्र प्रथम ने, ठीक है। राजराजेश्वरा के द्वारा जो है तंजौर के अंदर जो है मंदिर बनाया गया, राजराजेश्वरा मंदिर, ये बनाया आपके राजराज प्रथम ने, ठीक है। अब आपको आगे और जैसे गंगेकोंड चोलपुरम का जो मंदिर है, गंगेकोंड चोलपुरम, ये जो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया है। तो ये चीज़ें जो है कुछ एक ग्रेट जो है उनके डिस्कस करते हैं। बृहदेश्वरा टेंपल जो है तंजावुर का, ये बनाया गया था आपका राजराज प्रथम के द्वारा, ठीक है। मैंने कहा कि इसको क्या मिल गई है, इसको मान्यता मिली है यूनेस्को हेरिटेज के अंदर, ठीक है। और इसमें हमें क्या देखना है पूरे के पूरे पैराग्राफ में, कि इसमें जो है वो टेंपल भी 30 स्टोरीज, ठीक है, शेप लाइक पिरामिड शेप के अंदर ये हमें देखने को मिलता, विमाना स्टाइल है, और 66 मीटर लंबा जो है वो ये बिल्डिंग है, विद द मोनोलिथ जो है वो एक मोनोलिथ होता है, एक ही पत्थर से, एक आश्रम पत्थर से बनाया गया, ठीक है। और इसके अलावा गंगेकोंड चोलपुरम जो है वो मंदिर हमें देखने को मिलता है राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था, कि गंगा के मैदान तक वो उसका जो है वो साम्राज्य जो फैला था। और उसमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पे उन्होंने एक जलाशय भी बनाया, ठीक है, और उस जलाशय को जो है उसमें जो है गंगा जल भी जो है वो डाला उन्होंने, गंगा से लाया हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। ये जो है वो उस समय का बहुत बड़ा फेमस मंदिर था, ठीक है, और आज भी ये जो है एग्जिस्ट करते हैं। ऐरातेश्वरा का जो दारासुरम का जो मंदिर है वो लॉर्ड शिवा के लिए डेडिकेटेड है, और बनाया किसने था, राजेंद्र द्वितीय ने जो है वो बनाया था, और बहुत फेमस मंदिर है ये। थर्ड लिविंग जो है वो लिविंग वो है आर्किटेक्चर है जो चोलों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये वृद्धेश्वरा का मंदिर इसकी मैं चर्चा कर रहा था आपसे अभी। और इसके अलावा जो है वहाँ उस टाइम की एक इस तरीके की मूर्तियाँ आपने देखी होंगी, इसको नटराज की मूर्ति कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर हमें जो है वो देखने को मिली है। इनकी मूर्ति कला बहुत फेमस है, और ये कांसे की बनाई जाती थी, ठीक है। और इसके नेक्स्ट अलावा जो है हमें जो पहला इस तरीके का जो अभिषेक था नटराज की जो मूर्ति प्राप्त हुई थी वो हमें चालुक्यों के समय की जो है ऐहोल में जो है रावण फड़ी गुफा से प्राप्त हुई थी। बाद में चोलों ने भी उस चीज़ को
कंटिन्यू आगे कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको सारे मंदिर बता दिए और समय की जो वास्तुकला शैली थी ना वो द्रविड़ शैली था, और द्रविड़ शैली जो है वो मंदिर वास्तुकला की बहुत ही भव्य शैली है, वो बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ। मैंने कहा कि आपके जो प्रांत होते थे वो मंडल होते थे, और मंडल के बाद वो नाडू के अंदर और जो है वो विभाजित होते थे। ठीक है, इसकी पूरी व्यवस्था मैं आपको जो है बता चुका हूँ, पूरा का पूरा जो है हमने चर्चा कर ली है, किसने स्थापना करी, कौन जो है चोल विजयालय था या फिर आदित्य वर्मन था, इन सब चीज़ों की हम लोग पूरी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और ये लगभग 5 शताब्दियों तक चला था, और इसके साथ ही जो है इन्होंने जो है वो मैंने बता दिया कि किसका जो है वो ये श्रीलंका तक जीतने के लिए गए ये लोग। अब हम लोग इनका जो है वो लास्ट में सिर्फ ये देख लेते हैं कि जो जैसे ये जो है ये वाला चिन्ह जो है वो चेरों का था, और जो पांडे हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया इनके साथ, ठीक है, चोलों के साथ, तो उनकी मछली है और इनका ये टाइगर है। ठीक है, अगर जो है ये इनका बताया गया है। दूसरा, ये जो श्रीलंका का हिस्सा है ना, इस पूरे हिस्से को जो है वो एक समय में किसने जीत लिया था, वो जीत लिया था आपका राजेंद्र चोल ने। ठीक है, अब आपको मैं उस समय की कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। देखो, ये चोला एम्पायर जो था ये 300 BCE से लेकर के 320 CE तक चला था, फिर 9वीं शताब्दी के अंदर दोबारा हमें पनपता हुआ देखने को मिला। इनके मैंने कहा कि कुलोत्तुंग ने अपना एक जो है 32 सदस्यीय जो है क्या भेजा था, एक शिष्टमंडल, व्यापारिक शिष्टमंडल भेजा था, कहाँ, चाइना के अंदर। देखो, इनका जो व्यापार था ना वो काफ़ी ज़्यादा समृद्ध था। देखो, ये वाला अगर चोल साम्राज्य था उस समय का, तो सोचो कि इनके जो व्यापारिक संबंध थे, या फिर ये जो लाल लाल है ना, ये पूरा वो क्षेत्र है जो चोलों के अपने अधीन था। ठीक है, बाद में जो है बाकी ये इसी पूरी जगह पे ये लोग जो है वो व्यापार भी करते थे। ठीक, और ये पूरा का पूरा दक्षिण जो है पूर्वी जो आशियन कंट्रीज आज के समय की, वहाँ तक जो इनका जो है वो हमें देखने को मिलता है। और यही कारण है कि आज हम जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो कंबोडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है, सिलोन को लगभग जीत लिया था। इसके अलावा जो हमारा ये जो अरेबियन सी है, यहाँ पे भी हमें बहुत सारा जगहों पे इनका जो है वो शासन होता हुआ देखने को मिलता है, किसका, चोलों का। ठीक है, तो इस आज जो है वो चोल कंप्लीट हुए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।